नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज एन आइडियल गैस इन अ क्लोज कंटेनर इज स्लोली हीटेड एज इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और चार स्टेटमेंट अपने को दे रखे हैं और उसके बाद इनफैक्ट उनके कॉम्बिनेशन में हमें बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट आपके ट्रू आएंगे तो एक काम करते हैं पहले ए बी सी डी लिख लेते हैं ए बी सी डी चारों स्टेटमेंट इवेलुएट uh, करते हैं तो पहला है स्टेटमेंट द मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीज नाउ मीन फ्री पाथ जिसको हम लैमडा कहते हैं उसकी जो वैल्यू uh, आती है वो आपके वॉल्यूम के और एन के प्रोपोर्शनल uh, होती है क्योंकि यहाँ पे आपने कंटेनर का वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है सो so, यहाँ पे आपका मीन फ्री पाथ जो है वो आपका चेंज नहीं होएगा हिन्स आपकी स्टेटमेंट ए इज़ नॉट ट्रू सेकेंड है मीन कोलिजन टाइम बिटवीन द मॉलिक्यूल डिक्रीजेज तो मीन कोलिजन टाइम जो है उसका मॉलिक्यूल के बीच में वो आपका डिक्रीज हो जाएगा ये बात सही है और इसको हम ये कहते हैं तेजी तेजी से भागने लगेंगे तो दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है वो आपका डिक्रीज uh, हो जाएगा ठीक है सो so ये आपका स्टेटमेंट सही है थर्ड uh, स्टेटमेंट है मीन फ्री पाथ रिमेन्स अनचेंज तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं मीन फ्री पाथ की वो आपका मीन फ्री पाथ जो है वो uh, रिमेन्स आ, यहाँ पे कह रहे हैं मीन फ्री पाथ रिमेन्स अनचेंज हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है चौथा है मीन कोलिजन टाइम रिमेन्स अनचेंज ये आपका स्टेटमेंट सही नहीं है टाइम आपका कि इनफैक्ट कम हो जाता है सो बेस्ड ऑन दिस हम कह है सकते हैं क्योंकि आपके स्टेटमेंट बी ओ सी ट्रू हैं सो आपका ऑप्शन नंबर फोर वुड बी ऑप्शन नंबर फोर बी एंड सी वुड बी द करेक्ट चॉइस